केंद्रातलं सरकार हे शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभं राहणारं सरकार आहे असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं। राजस्थानमध्ये सीकर इथं आयोजित विविध विकास प्रकल्पांचा शिलान्यास आणि लोकार्पण पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आलं, त्यावेळी ते बोलत होते। पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेअंतर्गत 17,000 कोटी रुपयांचा 14वा हप्ता पंतप्रधानांच्या हस्ती लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला। 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांचं लोकार्पण पंतप्रधानांनी केलं। या केंद्रांचा देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना फायदा होईल असं पंतप्रधान म्हणाले। सल्फरचं आवरण असलेल्या युरिया गोल्ड हे रासायनिक खत पंतप्रधानांच्या हस्ते बाजारपेठेत आणण्यात आलं। 1600 कृषी उत्पादन संघटनांच्या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC वर ऑनबोर्डिंग प्रणालीची सुरुवात पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आली। या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना आपलं उत्पादन बाजारपेठेपर्यंत नेणं शक्य होईल असं त्यांनी सांगितलं। 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। गांव और ब्लॉक लेवल पर बने इन पीएम किसान समृद्धि केंद्रों से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ होगा। आज 1,000 से ज्यादा एफपीओ के लिए, हमारे किसानों के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का लोकार्पण भी हुआ है। इससे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा। हमारी सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। राजस्थानातल्या विविध शहरांमध्ये 5 नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचं उद्घाटन आणि अन्य वैद्यकीय महाविद्यालयांची पायाभरणी पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आली। वैद्यकीय शिक्षण जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपलं सरकार प्रयत्नशील असल्याचं ते म्हणाले। नए एम्स खुल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 700 के पार हो गई है। अब आपके घर के पास अच्छे अस्पताल भी होंगे, गरीब का बेटा और बेटी इन अस्पतालों में पढ़कर डॉक्टर भी बन पाएंगे। और साथियों, आपको पता है हमारी सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई को भी मातृभाषा में पढ़ाई कराने का रास्ता बना दिया है। राजस्थानात 6 ठिकाणी एकलव्य निवासी शाळांचं उद्घाटनही पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आलं। या कार्यक्रमानंतर मोदी यांनी एका जनसभेला संबोधित केलं। यावेळी पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षांवर कडाडून टीका केली। त्यानंतर गुजरातमध्ये राजकोट आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आलं।